फेसबुक में मैं पहले जो थी तो जो कमिश्नरेट फॉर अफगान रेफ्यूजीज़ है तो वो वाला पेज मैं फॉलो करती थी और वहाँ के थ्रू मुझे मिला था। और मेरे ऑलरेडी भी इरादे थे फिज़िकल कोर्सेज़ करने के, अर्निंग करने के, मैं देख रही थी। तो फिर ये मुझे मिला और मुझे ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी लगी। देखिए, मैंने टाइम सेंटर में डिजी स्किल्स का 3 मंथ्स कोर्स किया है। कि आपके जहाँ इंटरेस्ट होता है फिर वहाँ पे आपका पैशन होता है। मेरी लर्निंग जो थी वो बहुत पहले से, क्योंकि मैं हमेशा एक लर्नर थी, मुझे सीखने का, कुछ नए सीखने का बहुत शौक था। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो डिजिटल मार्केटिंग है, ये वाली जो नीश है, इसमें मैं ज़्यादा अच्छा काम कर सकती हूँ। स्किल जो मुझे पसंद आई वो सोशल मीडिया मार्केटिंग की थी। मार्केटिंग जो एक बहुत बड़ी फील्ड है, उसने मुझे बहुत फैसिनेट किया। हमारी जो ऑनलाइन फील्ड्स है, ऑनलाइन जॉब्स हैं, उनका देखें तो वो ऑन एंड ऑफ चलती रहती है। आपको प्रोजेक्ट मिलता है तो आपकी अर्निंग होती है और आप हमेशा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में रहते हैं। तो यहाँ पे टाइम में जो है, तो मुझे टॉप स्टूडेंट थी मैं, तो यहाँ पे मुझे टीचिंग का जो है वहाँ पे ऑफर हुई। तो मैंने 1 मंथ की यहाँ पर एज इंस्ट्रक्टर काम किया। कुछ इंक्यूबेशन में मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट्स किए। जो मिनिमम अर्निंग मैंने की थी तो वो 550 रुपीज़ थी, जो मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का वो किया था प्रोजेक्ट। और फिर उसके बाद जब मैक्सिमम तक गई है तो फिर वो 10,000 तक गई है। तो HOPE87 और जो मिनिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रिया है, उनकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि पैशन था पहले से लर्निंग का और मैं फ़िज़िकल कोर्सेज ढूंढ रही थी, लेकिन आपको पता है कि आजकल ये बाकायदा एक बिज़नेस बन चुका है और इसमें काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हैवी चार्ज किया जाता है। और मुझे एक फ़्री कोर्स चाहिए था, तो इन्होंने इतनी अच्छी क्वालिटी का कोर्स दिया, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी और बिल्कुल फ्री में दी। तो इसके लिए इनका काफ़ी शुक्रिया।